एक सवाल, चूंकि आप राजस्थान से हैं और राजस्थान में जल जीवन मिशन में बहुत सारे घोटाले देखने को मिले, क्या आपको लगता है कि जल जीवन मिशन का पूरी तरह से इम्प्लीमेंट ना होना भी एक गहलोत सरकार की बहुत बड़ी नाकामी रही और उसकी वजह से भी उनको नुकसान उठाना पड़ा? निश्चित रूप से मैं कहूँगा, क्योंकि राजस्थान देश में ऐसा प्रदेश था जहाँ पीने का पानी सर्वाधिक चिंता का विषय था। राजस्थान ऐसा प्रदेश था जहाँ माताओं बहनों को पीने के पानी के सक को लाने की चुनौती सबसे बड़ी थी। इसलिए राजस्थान की जनता बहुत आशा की दृष्टिकोण से इस देश की तरफ देख रही थी और उसका फेलियर निश्चित रूप से कांग्रेस के ताबूत में सबसे बड़ी कील के रूप में देखा गया। लेकिन वो घोटाला केवल जल जीवन मिशन में ही हुआ हो, कांग्रेस के राज में ऐसा नहीं था। मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं सर्वदूर उन्होंने जो है वो लांग दी थी और अब उस सरकार की पहचान सदी की सबसे भ्रष्ट सरकार के रूप में बनी। ऐसा केवल मैंने नहीं कहा या केवल भारतीय जनता पार्टी के हम कार्यकर्ताओं ने नेताओं ने नहीं कहा, कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने सदन में, कांग्रेस पार्टी के मंत्री पद का दर्जा प्राप्त व्यक्तियों ने सदन में, कांग्रेस पार्टी के माननीय गहलोत साहब की कैबिनेट के माननीय सदस्यों ने सड़क पर खड़े होकर के भी कहा कि ये सरकार सदी की सबसे भ्रष्ट सरकार है। जब वो खुद ही स्वीकार कर रहे थे, सेल्फ सर्टिफिकेशन कर रहे थे, तो मुझे लगता है कि अब इसमें तो चर्चा की कोई गुंजाइश ही नहीं बनी है। और जब उसका परिणाम भी आ गया है, हम सबके सामने है, तो वो चर्चाएं पर अब तो विराम लग गया है। अब तो चर्चा इस बात की होनी चाहिए कि ऐसे भ्रष्ट लोगों को उनके किए की सजा भुगतनी चाहिए और उसकी गारंटी हमने अपने मैनिफेस्टो के माध्यम से प्रदेश की जनता को दी है। तो सर, अब आगे 24 का चुनाव है, 24 के चुनाव को जिस तरीके का माहौल नजर आ रहा है बीजेपी के पक्ष में, उसके मद्देनजर कोई चुनौती मानकर चल रहे हैं या फिर जिस तरीके से कार्यकर्ताओं की तरफ से नारे अभी से लगने लगे हैं, अब की बार 400 पार, तो 24 में 400 पार आपको लगता है बीजेपी पहुंचने वाली है? देखते जाइए, हम लोग तो इसके लेकर के पूर्णतः विश्वस्त भी हैं और पूरी तरह कॉन्फिडेंट है। देखते जाइए अभी तो इसके आगे क्या होगा। तो गजेंद्र सिंह शेखावत ये कह रहे हैं कि 2024 में बीजेपी 400 प्लस जाने वाली है। आप 400 तक ही सीमित क्यों करना चाहते हैं? मैं तो 400 प्लस बोला मैंने। हाँ, तो 400 प्लस होगा, इसका कितना भी हो सकता है। तो इसमें बीजेपी की अपनी नीतियां, मोदी की गारंटी और विपक्ष क्या अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का भी काम कर रहा है? मुझे लगता है कि वो गौमूत्र वाला जो बयान आया उसके बारे में यहाँ पर जिक्र करना इसलिए जरूरी है कि डीएमके कहती है कि साहब बीजेपी वही जीतती है जहां पर गौमूत्र चलता है। ये हमला बीजेपी पर या ये हमला सनातन पर, और क्या यही विपक्ष की कब्र खोदता हुआ चुनावी राजनीति में नजर आ रहा है? देखिए, निश्चित रूप से जिस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान इंडिया अलायंस के लोगों ने दिए जी, और सनातन जो संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है वो सनातन संस्कृति, जो सनातन संस्कृति एकोहम बहुश्यामी की बात करती है वो सनातन संस्कृति, जो सनातन संस्कृति हम सबको एक सूत्र में बांधने की चर्चा करती है वो सनातन संस्कृति, जो सनातन संस्कृति जीवन के जैसे इस जगत के प्रत्येक सजीव निर्जीव जो है वो तत्व को लेकर के समान आस्था और विश्वास का बात करने वाली संस्कृति, जिस सनातन जिसने दुनिया भर के सारे भारत में आए हुए धर्म और सभ्यता और संस्कृतियों को अपने आप में समाहित करके समरूप बना दिया, उस संस्कृति का अपमान को अपमानित करके उसके लिए जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया, निश्चित रूप से देश की जनता की मन से उसके ऊपर कहीं ना कहीं चोट लगी है, वो आहत हुए हैं। और जब मन से कहीं ना कहीं आहत होते हैं तो उसका परिणाम तो निश्चित ही दिखाई देता है। जनता के पास में जब अवसर आता है तब वो सब तरह के हिसाब किताब बराबर करता है। तो ये चलते चलते बस आखिरी सवाल ये कि केंद्र में जो जिम्मेदारी आपको दी गई, केंद्र में टीम मोदी के योद्धा के तौर पर आपने अपनी भूमिका निभाई, क्या आने वाले समय में बहुत जल्द, महीना दो महीना नहीं, मैं तो एक हफ्ते के भीतर भीतर की बात कर रही हूँ, क्या हम भूमिका बदलते हुए देख सकते हैं गजेंद्र सिंह शेखावत की? ये सवाल बहुत लोगों के मन का है, खासतौर से राजस्थान के लोगों के मन का है, खासतौर से जोधपुर वाला जो रीजन है और पूरा मारवाड़ जो रीजन है वहां के लोगों के मन का है। चुनाव शुरू हुआ था ना, उससे पहले से लेकर के अब तक शायद मुझे लगता है कि जी
आज मैं ऐसा सोच रहा था कि वो प्रश्न जो मुझे पूरे चुनाव के दौरान और चुनाव के परिणाम आने के बाद में भी, चुनाव से पहले, चुनाव के समय और चुनाव के बाद में जो प्रश्न पूछा गया था इनएविटेबली, वो शायद आज मोदी की गारंटी के समय में नहीं पूछेंगे। लेकिन मैंने पहले जो प्रश्न का उत्तर दिया था वो भी आज ही दूंगा कि भारतीय जनता पार्टी में ये पद्धति परंपरा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में कौन कार्यकर्ता किस भूमिका में काम करे, देश के निर्माण के इस यज्ञ में किसकी आहुति की कहां आवश्यकता है जी, राज्य में, केंद्र में, सत्ता में, संगठन में, ठीक, या उसके इतर भी सामाजिक जीवन में काम करते हुए राजनीति से ऊपर उठ करके भी, राजनीतिक क्षेत्र से बाहर निकल करके भी किस व्यक्ति की कहां उपयोगिता हो सकती है, भूमिका हो सकती है। हम सब लोग कार्यकर्ता भाव से उस हर एक जगह पर समान ऊर्जा, समान शक्ति, समान संकल्प के साथ में काम करने की क्षा के दृष्टि और ये जो मंत्र आप बता रहे हैं शायद यही मोदी की गारंटी को और मजबूती भी देता है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।